वही घर देते, वही व्यवस्था देते, वही रोजगार देते, वही सब कुछ मिलता, यहाँ पढ़े हम लोग नहीं रहते, आज उनके खिलाफ तो हम लोग बात ही नहीं करते। झारखंड ने जब जो पढ़े लिखे लड़का के करे हुए हैं उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं छोटी जाति के नौकरी, तो काहे ले पढ़ाई लिखा कोनो तरी माटी काट काट के बच्चा के काहे पढ़ाई है जब नौकरी नहीं देता है। तो विकास होता है तो यहाँ पे झारखंड के लोग क्यों पढ़े रहते, गटर में आके बाथरूम में आकर के गेट पे बैठ करके नीचे जमीन पे सो करके क्यों यहाँ पे? आरक्षण केवल एक नाम है, फोकस है, चीटिंग है, चीटिंग, कोई विकास नहीं है मैडम। विकास करते तो क्या बोलते हैं, देश का कीमत जो है ना 300 रुपए से बढ़ा कर 1100 रुपए नहीं किए करते। मोदी कभी खेती किए हैं? नहीं किए हैं। किसान का हल कहाँ जानेंगे, वो अपने घर नहीं चला सकते हैं तो देश को। जंतर मंतर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और इन लोगों का मार्च था अंबेडकर मार्च से, वहाँ पे इनको मार्च भी नहीं करने दिया है, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। बताइए आप, झारखंड ने जब जो पढ़े लिखे लड़का के करे हुए हैं उसको नौकरी दीजिए। मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं छोटी जाति के नौकरी, तो काहे ले पढ़ाई लिखा कोनो तरी माटी काट काट के बच्चा के काहे पढ़ाई है जब नौकरी नहीं देता है। तो मोदी जी तो घर भी दे रहे हैं ना आवास योजना के ऊपर, नहीं देते, नहीं दिया है तब लड़ने के लिए हक बनाए आई हैं, देता तो हम आते हैं इतना दूर पैदा। पर मोदी जी कह रहे हैं ना विकास हुआ है, अगर वही विकास होता है तो यहाँ पे झारखंड के लोग क्यों पड़े रहते, गटर में आके बाथरूम में आकर के गेट पे बैठ करके नीचे जमीन पे सो करके क्यों यहाँ पे पहुँचे? घर दिए हैं मोदी जी ने, अगर वही घर देते तो आज यहाँ पे क्यों पड़े रहते? वही घर देते, वही व्यवस्था देते, वही रोजगार देते, वही सब कुछ मिलता, यहाँ पड़े हम लोग नहीं रहते, आज उनके खिलाफ तो हम लोग बात ही नहीं करते। पर मोदी जी ने तो महंगाई कम करी है ना, और वो जो किया है वो तो जान ही रहे हैं, सिलेंडर 200 रुपए कम करे हैं, वही 200 रुपए अगर कम होते क्या कह के दिए थे वो? महिलाओं को आरक्षण दिया है उन्होंने, महिलाओं को आरक्षण कुछ नहीं मिलता हो रही है ना, राशन भी तो दिया है ना, पुनिया देती है ना, पुनिया दे सरकार ना, मोदिया विधायक प्रेसिडेंट है ना, मोदिया चाहता है। जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया गया है मोदी जी ने, नहीं आरक्षण केवल एक नाम है, फोकस है, ये क्या समझिए चीटिंग है, चीटिंग। मोदी जी विकास कर रहे हैं? कोई विकास नहीं है मैडम, विकास करते तो क्या बोलते हैं, देश का कीमत जो है ना 300 रुपए से बढ़ा कर 1100 रुपए नहीं किए करते, कुछ विकास नहीं। अब तो कम कर दिया है ना सिलेंडर, क्या कही, अरे 1500 रुपया बढ़ा गया, टमाटर के दाम कम हो, हाँ टमाटर के काम दाम बहुत कम हो गए, अरे टमाटर उपज गया इसलिए कम हो गया, कहाँ कम किए हैं, 300 रुपया टमाटर हम लोग लाइफ में कभी नहीं देखे थे, 300 रुपये टमाटर अपने घर में उगा रहे थे, मोदी इसके लिए सस्ते कर दिए? मोदी कभी खेती किए हैं? मोदी कभी खेती किए हैं? नहीं किए हैं। किसान का हाल कहाँ जानेंगे, वो किसान का हाल कहाँ जानेंगे, वो अपने घर नहीं चला सकते हैं तो देश को। विदेशों से हमारे वो रिलेशन अच्छे हो गए हैं ना? कोई रिलेशन अच्छे नहीं, क्या होगा, 1100 रुपये गैस का दाम बढ़ा दीजिएगा, 200 रुपये घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा बताइए, इससे अच्छा तो मेरा कांग्रेस सरकार। पर चाइना और वो सब आके उनके घुटनों पे, चाइना नहीं, चाइना का जो बोलते हैं चाइना को हम डरा दिए, G20 करवाए, कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, वैसा कुछ नहीं है, मोदी केवल जो है ना पतोला उस लाइन में लगी, उस लाइन में, उस लाइन में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी भीड़ उमड़ पड़ी है, जो अंबेडकर मार्च से इनका मार्च होने वाला था वो पुलिस वालों ने रोक दिया गया है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई थी, इन लोगों का मार्च था जो अंबेडकर मार्ग से होने वाला था, वहाँ पे भी पुलिस वालों ने इनको रोक दिया और इधर जंतर मंतर पे ये अपना पूरा धरना देने आए हुए हैं। और अभी हमने इनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि मोदी जी इनका कुछ साथ नहीं दे रहे हैं, इनकी बातें भी रखने का मौका नहीं मिल रहा है। और जो ये जो महिलाएं हैं ये ट्रेन में शौचालय के उस पर बैठ के आई हैं, इनको बैठने तक की जगह नहीं दी जा रही है, राशन भी नहीं मिल रहा है, इनकी मांगें भी नहीं सुनी जा रही हैं, तो इन्हीं सब से हमारी बातचीत हुई है। तो आगे की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जनहित आवाज़।